अनिल शर्मा बीजेपी के किन्हीं भी कार्यक्रमों में भी नहीं आए हैं और उनके पुत्र कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हाल ही में आश्रय शर्मा ने स्टेटमेंट दी है कि अनिल शर्मा उनके पिता हैं। तो बीजेपी विधायक और बीजेपी सरकार में मंत्री होने के बाद बीजेपी का क्या स्टैंड इसके ऊपर है? मैंने भी पढ़ा कि आश्रय जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अनिल शर्मा उनके पिता है, वो भाजपा में कब के नेता है। आज मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके आएँ और पार्टी की मेहरबानी से वो प्रदेश के मंत्रिमंडल में पावर मिनिस्टर है, तो उन्हीं को फैसला करना है कि उन्होंने पुत्र की जो ये वर्षन दिया है उस पुत्र के वर्षन के मुताबिक पुत्र के प्रचार के लिए जाना है या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। अगर उन्होंने तय किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो उन्हें प्रचार मंडी विधानसभा क्षेत्र में भी, मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी और जगह भी करना होगा, वरना ये निर्णय जो है वो अनिल शर्मा जी को करना होगा कि उन्हें जो है वो पुत्र के साथ रहना है या पार्टी के साथ रहना है।